अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे चिलब्लेंस के बारे में, जिसको हम फ्रॉस्ट वाइट के नाम से भी जानते हैं। जब विंटर्स का सीजन स्टार्ट होता है, तभी से उनके हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियों में सूजन और दर्द शुरू होने लगता है, और ये जब ज्यादा हो जाता है तो उनमें इचिंग होने लगती है बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ इनमें स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। तो आज हम बताएंगे इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिससे आपकी चिलब्लेंस पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, चिलब्लेंस क्या होता है? अक्सर करके लोगों में जब ठंड का मौसम शुरुआत होता है, तभी से उनमें बहुत ज्यादा, अगर जिनको ज्यादा ठंडी लगती है तो उनमें हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां हो, या उनकी नाक हो, या उनके कान हो, या उनकी हील हो, उनमें बहुत ज्यादा दर्द शुरू होने लगता है, और उनमें सूजन भी आ जाती है, बम्प्स हो जाते हैं, उभार आ जाती है, और वो जब उनमें इचिंग करते हैं उस जगह पे, जब वो खुजलाते हैं तो बहुत ज्यादा उनको बर्निंग होती है, जलन होती है, जिसकी वजह से उनके स्किन का कलर चेंज होने लगता है धीरे धीरे। जब वो ठंड का मौसम बढ़ते जाता है तो और ये ज्यादा वर्स होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उनमें देखी जाती है जो पर्सन अंडर वेट है, जिनमें दुबलापन है, बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, या वुमेन है, औरतों में देखा जाता है, यंग एज में देखा जाता है, टीन एजर्स में भी देखा जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्स होने लगती है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है। तो इसके लिए आप परेशान मत हो, इसमें हम बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मेडिसिन है एगारिकस मस्केरियस। ये 200 पोटेंसी में है। ये उन पेशेंट के लिए है जिनमें इंटेंस इचिंग होती है, बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा पेन होता है हाथ की उंगलियों में, स्पेशली हाथ की उंगलियों में, आपके दोनों हाथ की उंगलियों में अगर इचिंग बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग होती है खुजलाने के बाद, और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, और जो स्किन का कलर होता है, जो फिंगर्स का कलर हो जाता है, वो ब्लू कलर का हो जाता है, और आप उसको जब टच करते हैं तो वो ठंड महसूस होता है। तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और समटाइम्स अगर आपके पैर के अंगूठे में सेम सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और जो दूसरी मेडिसिन है सल्फर, ये 200 पोटेंसी में है। ये स्पेशली उन पेशेंट के लिए है जिनमें पैर की उंगलियों में, अंगूठों में स्किन का कलर पर्पल कलर का दिखाई दे, या रेड कलर का उनकी उंगलियों में दिखाई दे, तो वो पेशेंट ये दवा ले सकते हैं। सेम सिम्टम्स यही रहते हैं सब में, चिलब्लेंस में की इचिंग होती है, पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, उस एरिए पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, हल्का सा भी टच होने पे दर्द होने लगता है। तो इसकी आप 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद लें, इससे आपकी चिलब्लेंस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।